डियर स्टूडेंट्स, एक नया प्रैक्टिस सेट आज फिर से हम लोग बनाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं। ऑल टुगेदर 40 क्वेश्चंस का ये एक नया सेट है। इसमें कट ऑफ होगा आज 32 जनरल मेल के लिए, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 28 का कट ऑफ होगा। अगर आप 25 के आसपास भी स्कोर करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। चलिए बनाते हैं आज के इस सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को किस नाम से अभिहित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। शिलालेखों में उसकी एकमात्र रानी कारुवा की और पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा के कोठारों यानी अनाज रखने के ग्रेनरीज में दक्षिण में खुले फर्श पर वृत्ताकार चबूतरों पर जो क्रैक्स हैं उसमें कुछ फसलों के दाने मिले हैं, ये कौन सा फसल है जिसके दाने इन दरारों में पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गेहूं और जौ, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल था। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित सिफारिशों या रिकमेंडेशंस प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाएगा। इनमें से कौन है, 1, 2, 3, 4 में से कितने ऐसे सिफारिश हैं जो राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। केवल 2, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन यानी पैक, पब्लिक अकाउंट कमिटी के प्रतिवेदनों को छोड़कर रेस्ट 3 राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करते हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन परसेंटेज टोटल लैंड का कितना परसेंट फॉरेस्ट से कवर्ड है, इसका क्रम आपको बताना है, यानी सबसे कम सबसे पहले और सबसे अधिक सबसे बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं, 1, 4, 2, 3, यानी सर्वाधिक छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद मध्य प्रदेश और तब महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ में टोटल एरिया का लगभग 41% फॉरेस्ट कवर्ड है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक में सिल्वर नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मन सिल्वर, जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता जबकि नाम में सिल्वर है, यह कॉपर, जिंक और निकल का अलॉय है। छठा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। बोन मैरो लिम्फोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सातवां प्रश्न, यहां पर कुछ कथन है और पूर्व धारणाएं हैं, आपको बताना है कि कथन और धारणाओं में क्या संबंध है, यानी एक दूसरे से कितना संबंधित है इन दोनों कथन और धारणाओं में। आगरा ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जबकि पूर्व धारणाएं ये हैं कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया, दूर दूर से विदेशी पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कथन और पूर्व धारणा का क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है, क्योंकि आगरा का ताजमहल सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, इसीलिए दूर दूर से विदेशी पर्यटक इसे देखने आते हैं। नेक्स्ट, अठारह क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा पादप कीटों को खाता है, उसे अपना भोजन बनाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कलश पौधा यानी पिचर प्लांट, यह कीटों को मारकर उसे नाइट्रोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता। दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में वह वंश, वह डायनेस्टी जिसकी राजकीय भाषा प्राकृत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन, दक्षिण में मौर्य काल के बाद सातवाहन वंश का विकास और विस्तार हुआ, इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी जबकि लिपि यानी स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। नेक्स्ट, ग्यारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से बाघों यानी टाइगर्स का जंगल में होना जरूरी होता है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चारागाहों की अति चराई, अत्यधिक चराई ना हो जानवरों के द्वारा, इसके लिए टाइगर ज़रूरी होते हैं जो इन जानवरों को खाते हैं और इस तरह से अति चराई से इसे बचाते हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी वॉल्केनो किसे माना जाता है, सबसे बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तामू मैसिफ, ये जापान में स्थित है, मृत ज्वालामुखी है, डिफंक्ट है, डेड है, ये अपने विस्तार में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, किसी धातु की शुद्धता निम्नलिखित में से किस विधि से पता किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्कमिडीज का सिद्धांत, जो ये बताता है कि उत्प्लावनता क्या है, कोई अगर पदार्थ पानी में डुबोया जाए तो वह आंशिक या पूर्ण रूप से डूबने के बाद उतना ही पानी को बाहर निकाल देती है, इससे किसी भी पदार्थ की शुद्धता या अशुद्धता पता की जा सकती है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जंगल का पिता, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिकोइया, सिकोइया अपने विशाल आकार और विस्तार के कारण फादर ऑफ फॉरेस्ट कहलाता है, यह मुख्य रूप से अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन, हवा की तेज गति से बनने वाले रेतीले टीले क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सैंड ड्यून्स, रेगिस्तानों में जो ऊंचे ऊंचे टीले आप देखते हैं इन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं, जबकि नूनाटक और सर्क हीम नदियों से बनते हैं, ज्यूगेन हवाओं से बनते हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में ग्रीष्मकाल में कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेरी ब्लॉसम, केरल में यही मैंगो शावर कहलाता है, जबकि वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, वह एकमात्र ग्रह यानी प्लैनेट जिसकी घूर्णन की अवधि यानी अपने अक्ष पर घूमने की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वीनस यानी शुक्र, जिसकी अपने अक्ष पर घूमने की अवधि 243 दिन होती है, यानी उसका दिन कहीं अधिक लंबा होता है, जबकि सूर्य के चारों ओर 225 दिन में ही ये घूम लेता है। इसका मतलब है उसका साल छोटा होता है अगर धरती के अर्थ के कंटेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह यानी पोर्ट जुआर नदमुख पर स्थित है, एस्चुरी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मर्मागांव जो गोवा में स्थित है, ये नदी और समुद्र के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर सर्किल्स में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, सबसे पहले किसने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केपलर, केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और इन्होंने ही बताया था सबसे पहले। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, यहां पर एक मैचिंग है, रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, आपको बताना है कि सही सही मैचिंग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी, जबकि कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय, ये भारतीय इतिहास के स्रोत से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्नलिखित छाप वाली चांदी की आहत मुद्राएं, जो मुद्राएं मौर्य काल में दिखती हैं वो सर्वाधिक मान्य मुद्राएं किस प्रकार की थीं, उन पर चित्र किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, मयूर पर्वत और अर्ध चंद्र प्रकार के सिक्के मौर्य काल के यूजुअली पाए जाते हैं, हाथी के सिक्के नहीं मिलते। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, उच्च तापमान और कम समय सिद्धांत यानी हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम मेथड किस क्रिया से संबंधित है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी पॉस्चुराइजेशन। दूध का पॉस्चुराइजेशन हाई टेम्परेचर पर कम समय के लिए किया जाता है, लगभग 63 से 65 डिग्री टेम्परेचर पर आधे घंटे तक रखा जाए तो ये दूध का पॉस्चुराइजेशन विधि होता है। इसी के साथ अगर टेम्परेचर अधिक बढ़ा दिया जाए 72 डिग्री और इसे 15 मिनट तक रखा जाए तो पॉस्चुराइजेशन की क्रिया पूरी होती है, बैक्टीरिया मृत होते हैं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री का यात्रा विवरण CUKEY के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वेनसांग। वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था, उसने CUKEY नाम से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे थे। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, मगध के राजवंश का सही क्रम आपको सजा कर बताना है कि इनमें से सही क्रम कौन सा है, सबसे पहले से सबसे बाद में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और तब मौर्य वंश। नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 27वां क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? एटॉमिक मास पर, आइसोटोप्स की संख्या पर, न्यूट्रॉनों के नंबर्स पे या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संरचना का क्रिसमस केक या प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जॉन डाल्टन, जिन्होंने ये बताया कि परमाणु दरअसल क्रिसमस केक की तरह है जिसमें धन आवेशित प्रोटॉन चारों ओर बिखरे हैं जबकि बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स की तरह इलेक्ट्रॉन स्थित हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, खाने के बाद एसिडिटी दूर करने के लिए किसका प्रयोग लाभकारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बेकिंग सोडा। अब रेस्ट 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, आइए देखते हैं कि ये करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कितने स्टूडेंट फ्रेंडली हैं और कितने क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, अक्टूबर 2019 में विश्व महापौर सम्मेलन वर्ल्ड्स मेयर समिट कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भी डेनमार्क में, विश्व के महापौरों का सम्मेलन। 32वां क्वेश्चन, नागरिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति से स्वीकृत होकर किस तिथि को कानून बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर को ये दोनों ही संसद से पारित हो चुका था, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन चुका है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जिसमें 6 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, भारत की नागरिकता दी जाएगी। इनका कट ऑफ होगा 31 दिसंबर 2014 यानी उससे पहले आने वाले पीड़ित व्यक्तियों को। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 का आ गया है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 9वां, भारत के स्थान में सुधार हुआ है, भारत का 9th रैंक है जबकि टॉप पे स्वीडन है, इसे जर्मन वॉच जारी करती है। 34वां क्वेश्चन, 107वीं विज्ञान भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान पहली बार क्या आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी किसान विज्ञान कांग्रेस, बेंगलुरु में आयोजित हुआ जिसका हेडलाइन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ने किसे नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में एक नई ऊर्जा का स्रोत घोषित किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में सोलर, विंड, हाइडल, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के कई सारे स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन अब इसमें समुद्री ऊर्जा को भी जोड़ दिया गया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को बढ़ाया जा सके। 36वां क्वेश्चन, नवंबर 2019 में आयोजित 10 तालिक युद्धाभ्यास 2019 जो नवंबर में हुआ है, भारत ने किसके साथ आयोजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ यह पहला युद्धाभ्यास 10 तालिक 2019 उज्बेकिस्तान में ही ताशकंद में आयोजित हुआ है। 37वां क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक हुई, यह बैठक कहां आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कानपुर। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, अटलांटा अमेरिका में संपन्न मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जोजी बिनी टुंजी ने जीता, ये किस देश की नागरिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये काफी चर्चा में रहे हैं अपने रंग रूप और आकार के कारण। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में, अभी हाल ही में 2 महीने पहले, अपनी तरह के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई, यह बिहार में कहां की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। 40वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड्स लोगों के लिए नोटों की पहचान के लिए एक नया ऐप जारी किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनी ऐप, जो ब्लाइंड्स यानी दृष्टिबाधितों को नोट की पहचान में हेल्प करेगा। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। अगर आप 20 से कम हैं तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, इसमें 25 कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर आप 20 से 25 के बीच भी हैं तो भी सही है। 20 से कम हैं तो आपको टॉपिक्स अच्छे से करने चाहिए। हम लोग दो दो टॉपिक्स चला रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद करिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव्स भी टॉपिक से संबंधित बना लेने चाहिए, यह आपका बहुत स्ट्रांग कर देगा, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा अगर टॉपिक्स के साथ आप इनके ऑब्जेक्टिव्स भी कर लेते हैं। टेक केयर।